हेलो क्लास इलेवन स्टूडेंट्स वेलकम टू टू ऑनलाइन क्लास इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर ग्रेविटेशन वी आर गोइंग थ्रू चैप्टर ग्रेविटेशन एंड इन प्रीवियस क्लास वी अंडरस्टूड अबाउट एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वी सॉ हाउ इट वेरीज द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद द एल्टीट्यूड एंड द डेप्थ हमने देखा कि ये जो जी की जो वैल्यू है सेकेंड स्क्र एट द सर्फेस ऑफ अर्थ हाइट जैसी ऊपर जाएगी हाइट जैसी बढ़ाते जाएंगे हम उसकी वैल्यू वेरी होगी डेप्थ भी टूडे अबाउट द टॉपिक फर्स्ट वन इज एस्केप वेलॉसिटी देन वी विल सी वॉट इज ऑर्बिटल वेलॉसिटी

conceptual class because if you have seen the previous video then only you will be able to understand today's class today's lecture so let us start with sub first of all escape velocity what is escape velocity and very interesting topic escape velocity so let us see the definition of it it says that escape velocity the minimum velocity with which a body must be projected vertically upward in order जस्ट एस्के ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं जस्ट इमेजिन कि मैंने एक पत्थर पकड़ा और उसे बड़ी जोर से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका ठीक जैसे आपने सोचा होगा कि मैं फेंकूंगा तो क्या होगा इट विल कम डाउन है ना वापस आ जाएगा बट हैव यू सीन दैट इफ अब हम इसमें इतने जोर से उसे फेंकते हैं इतनी जोर से इतनी ज्यादा वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी से हम उसे फेंकते हैं कि वो वापस ही ना आए होता है ऐसा केस दिमाग में आती है ऐसी बात वो वेलोसिटी क्या होगी वो कितनी होगी क्या वैल्यू होगी उस वेलोसिटी की हमारे अर्थ सरफेस से अगर हम इतनी जोर से उस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके कि वो वापस ही ना आए वो जाते जाए स्पेस में चले जाए आगे ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमारी अर्थ की है उसके आगे निकल जाए अर्थ उसको वापस खींच ना पाए तो ऐसी कौन सी वेलोसिटी? उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी एंड दैट इज व्हाट हियर वी अबाउट डेफिनेशन लिखना बनता है द मिनिमम वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड ऊपर फेंका जाए इन ऑर्डर डेट इट में जस्ट और आगे निकल जाए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ से ये हमारा अर्थ है सेंटर ऑफ अर्थ ओ रेडियस ऑफ अर्थ आर हम लोग जानते रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू एक पॉइंट ए है वहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका ठीक ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है हमने उसको मान लो कुछ ऐसा फेंका है कि वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के ग्रेविटेशनल फील्ड के आगे निकल जाएगा ठीक है तो चलो कैलकुलेट करने चाहते हैं हम लोग वो वेलोसिटी को मगर अगर वो कहीं किसी पॉइंट पी पर पहुंच गया है, है ना जितने हमने जब हमने फेंका तो वो ऊपर जा रहा है और किसी पॉइंट पी पर पहुंचा है वो ऑब्जेक्ट और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करके वो क्यू पे पहुंच गया जो पॉइंट पी है वो एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है और dx डिस्टेंस एकदम छोटी से डिस्टेंस की दूरी पर और एक पॉइंट है Q. मतलब थोड़े से समय बाद में वो क्यू पॉइंट पे पहुंच गया जो कि डी एक्स दूरी पर है तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं यहां पे मास ऑफ अर्थ एम रेडियस ऑफ अर्थ आर कैपिटल आर मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको फेंका गया ऊपर वो स्मॉल एम मास का है डिस्टेंस ऑफ एम फ्रॉम द अर्थ अभी देखो पी पॉइंट पर पहुंचे तो कितनी दूरी पर हो एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द मास जो ऑब्जेक्ट है है और अर्थ उन दोनों के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फॉर्मूला हमारा एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू एम मास दोनों के बीच की दूरी एक्स का स्क्वायर सी दोनों के बीच की दूरी और ये पी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच की दूरी दिस इज़ द फोर्स एफ नाउ वी नो दैट वेन वी वॉन्ट टू स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्मॉल डिस्टेंस पी क्यू अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं पी से क्यू में जब पहुंचा होगा तो कितना वर्क डन हो गया होगा तरह डन हो गया होगा देखो फोर्स तो लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो, मतलब हो रहा, होगा, तो रहा हो, है तो वर्क डन होगा डीएक्स के लिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स ये जो f है वो कौन लगा रहा है फोर्स ये जो एफ है ये कौन से फोर्स की बात हो रही है यही फोर्स की बात हो रही है g M m चलो वैल्यू रख देते हैं इसकी तो छोटा छोटा सा into, into Dx, सा वर्क डन इज इक्वल कैपिटल स्मॉल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया हम लोग टोटल डन कैलकुलेट करना चाहते हैं अब देखो कौन सा डन की बात हो रही है सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक अब देखो इंफिनिटी क्यों बोल रहे हैं वी आर टॉकिंग तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के आगे निकल गया फिर वो वापस नहीं वाला। है ना? ये को आप कहा से कहां तक ले रहे हैं आर से लेके देखो सेंटर ऑफ अर्थ नहीं है हम कहां सरफेस से फेंक रहे हैं इसको तो सरफेस ऑफ अर्थ कहां से चालू होता है रेडियस आर सेंटर से आर से लेके इंफिनिटी तक वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और

हाउ वी कैन डू इट बाई इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन किए जीरो से डब्लू तक और इंटीग्रेट किए आर से लेकर इन्फिनिटी तक अभी देखे हमने डाइग्राम में आर सर्फेस से लेकर इंफिनिटी जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू अब इंटीग्रेट किए डी डब्लू को तो डब्ल्यू हो जाना है

अब देखो वॉट एवर थिंग इज हैपनिंग हियर हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया और वर्क डन कैलकुलेट करके हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हम जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो उसको हम उसमें हम वर्क कर रहे हैं हम वी आर डूइंग सम वर्क वी आर अप्लाइंग द फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी कैनेटिक एनर्जी टू डेथ ऑब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके और उसे कैनेटिक एनर्जी दिए वो कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होते हुए प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट एट द सर्फेस ऑफ अर्थ हमने सर्फेस ऑफ अर्थ में उस ऑब्जेक्ट को कनेटिक एनर्जी दी अपना फोर्स लगाकर एस्केपलेसोटी

इतना काम को इतना वर्क इतने कार्य को करने के लिए वो सफिशियंट होगा क्या कर? कार्य को करने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर यहां पे वी की वैल्यू भाई क्योंकि वो ही हमने ताकि वो पार हो जाए बस हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है वर्क डन का हमने निकाला जी इंटू एम इंटू एम अपन आर ठीक तो ये v e की वैल्यू वीई e का वैल्यू निकालना है स्क्वायर e देखो एम इधर है एम इधर भी ये दोनों कैंसिल हो गया ये हाफ है इधर जाके टू बन गया तो v इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ टू इंटू जी इंटू एम अपॉन आर यह है वो का इतनी वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आने वाला इतनी वेलोसिटी से वैल्यू पुट कर लो देखो अर्थ का मास हमको मालूम है अर्थ का रेडियस हमको मालूम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है

या फिर बोल लो वी इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि एक ऑब्जेक्ट को कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो कितने भी मास का हो मास पे डिपेंड करता ही नहीं वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता ही नहीं उसकी एस्केप वेलोसिटी कितने भी भारी ऑब्जेक्ट हो कितना भी हल्का ऑब्जेक्ट हो अगर अगर हम एयर रेजिस्टेंस ध्यान से सुनना एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माने होता तो नहीं है वो नेग्लिजिबल मगर जिबल माने तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 11.2 किलोमीटर यानी लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर ऊपर फेंके की स्पीड से हम ऊपर फेंके की वेलोसिटी से हम ऊपर फेंके तो वो वापस नहीं आने वाला वो स्पेस में आगे चले जाएगा अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से आगे निकल जाएगा और यही कहलाता है सॉरी एस्केप वेलोसिटी हर प्लेनेट के लिए अलग होता है क्योंकि हर प्लेनेट

ये वो वेलोसिटी है जितनी वेलोसिटी से आप आपको एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड वापस नहीं लौटने वाला एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इसीलिए एस्केप वेलोसिटी तो समझ में आई बात है मजेदार चीज है ना ये एस्केप वेलोसिटी की बात तब भी होती है जब हम लोग रॉकेट को लॉन्च करते हैं एंड वेन एवर सम इज बी समाइट आर बींग लॉन्च सैटेलाइट की बात हुई तो सैटेलाइट क्या होते हैं सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं एक ऐसी चीज जो हमारे प्लेनेट के अराउंड ऑर्बिट ऑर्बिट में में एक किसी किसी यानी कक्ष में, मतलब एक एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व करे उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं दो प्रकार की सैटेलाइट्स होती हैं नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट जैसे हमारा मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे इनसेट वन इनसेट टू जैसे कि इंडिया ने लॉन्च किए थे जितने सारे पीएसएलवी ऑल दिस सैटेलाइट्स आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनके कुछ ना कुछ यूजेस हैं रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड वेदर फोरकास्ट तो ये सारे सैटेलाइट्स जो है हमारे अर्थ के अराउंड प्लैनेट्स के हमारा प्लैनेट के अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं तो इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और ये ध्यान रखना कि इसको हमारे अर्थ के अराउंड रोटेट करना है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना है तो इसको जब हम लोग अर्थ के से कुछ दूर में ऊपर रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ इसको खींचेगा नहीं समझ आई बात देखो एक बार गौर से बात चल रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगला टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये है हमारा अर्थ ओके okay, ये सेंटर और एक सैटेलाइट को हमने यहां पर रखा सैटेलाइट क्या करेगा नहीं दिख रहा सैटेलाइट क्या करना चाहता है ये इस ऑर्बिट में रोटेट करना है इसको तभी तो कुछ काम होगा रोटेट करना है चलो अभी रोटेट भी नहीं कर रहा है ना रिवॉल्व नहीं कर रहा यहां पर रहना चाहिए उसको तो सी बात है अर्थ इस सैटेलाइट पे फोर्स लगाएगा और फोर्स के कारण ये नीचे गिर जाएगा है ना मगर हम चाहते हैं कि रोटेट करते रहे वहीं पर रहे है. वहीं पर रहे हम नहीं हम तो ये चाहते हैं कि यहीं पर रहे यहीं पर रहे मतलब अर्थ से कुछ दूर में रहे हाइट में रहेगा तभी कुछ काम करे तब तो ऊपर से कुछ देख पाएगा सो दैट्स व्हाई वी वांट दिस दिस सैटेलाइट टू बी एट प्लेस ओनली बट वी कैन नॉट मेक इट स्टे जस्ट लाइक दिस कोई प्रपलशन वोपल्शन लगाना होगा जो फोर्स नीचे लगा रहा है तब जाके वहीं पर रहेगा नहीं एक और तरीका है अभी हम इसको कुछ ऐसा सेट कर देते कि एक वेलोसिटी दे देते इसको एक वेलोसिटी दे देते हैं इसको जिसके कारण ये गोल घूमते रहेगा अब गोल घूमेगा तो क्या होगा देखो एक फोर्स है एफ जो इसको नीचे खींच रहा तो कोई ये जब गोल घूमेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर काम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर जब भी कोई चीज रोटेट करती है रिवॉल्व करती है सर्कुलर मोशन में रहती है तो उसके ऊपर तो उसमें एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ अंदर की तरफ एक एक्सीलरेशन रहता है है ना और उसी के जस्ट अपोजिट एक काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू इनर्शिया याद आ रही है वाली बात हमने समझा था रोटेशनल मोशन में तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ग्रेविटेशनल पुल के बराबर हो जाए तो ये इसी ऑर्बिट पे घूमते रह जाएगा इसी ऑर्बिट पे बिल्कुल पर्टिकुलर इसी रेडियस के ऑर्बिट पे घूमते रहेगा इसी रेडियस के ऑर्बिट पे सर्कुलर मोशन करते रहेगा इफ इट इज सेट इन दिस इक्विब्रियम अब हम लोग फॉर्मूले में जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला बनता था सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कि डिपेंड करता था उसके मास पे इसके मास पे इसकी वेलोसिटी पे और इसके रेडियस पे सो डेट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी वॉट इज दैट वेलॉसिटी वो वेलॉसिटी कितनी होगी कितनी होगी वो वेलॉसिटी और कितना होगा वो रेडियस जिसपे ये मूव करते जाएंगे और वो वो और वो वेलोसिटी जो इस सैटेलाइट को इस पाथ पे इक्वली बीरम में रखकर रोटेट करे गिरे नहीं ये अर्थ पर उस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी क्योंकि ये उस ऑर्बिट की वेलोसिटी है उस ऑर्बिट में उस सैटेलाइट की वेलोसिटी सो लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला सो हियर

उस ऑर्बिट में ही रहे वापस अर्थ में मत गिर जाए तो जस्ट इमेजिन, लेट अस सी अबाउट दिस वेलोसिटी, व्हाट विल बी सेंटर उसका आर कैपिटल आर और एच डिस्टेंस की दूरी पर सरफेस से एच डिस्टेंस के हाइट पर सैटेलाइट स्थित है तो सेंटर ऑफ अर्थ से कितना डिस्टेंस हुआ इसका सैटेलाइट का R प्लस एच ठीक है ये सैटेलाइट का मास है स्मॉल m मान लेते हैं और ये अभी एक वेलोसिटी वी ओ वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है वी ओ वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है ट्रेवल कर रहा है मतलब रिवॉल्व uh, कर रहा है अराउंड दी अर्थ यही बात हमने यहां लिखा मास ऑफ अर्थ m, मास ऑफ सैटेलाइट R, रेडियस ऑफ अर्थ R, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी लिख दिए हाइट ऑफ सैटेलाइट अबाउट द सर्फेस ऑफ दी अर्थ एच ठीक है हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ़ ग्रेविटेशन से एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम का टू स्क्वायर अब देखो आर प्लस एच लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ दी अर्थ से आर प्लस एच की दूरी पर है से ही हम उसका मास लेंगे, और से, दोनों के बीच में आर प्लस एच की दूरी हुई डिस्टेंस बिटवीन दो ऑब्जेक्ट बोल दो टू सेंटर अब हम लोग जानते सैटेलाइट टू कीप इट इन इट्स ऑर्बिट कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा ताकि वो इसी ऑर्बिट पे रहे इसी ऑर्बिट पे ही रोटेट रिवॉल्व करता रहे तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम लोग फॉर्मूला क्या आता था सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स होता था एम वी स्क्न आर याद आ रही है वाली बात नहीं आ रही तो वापस जाओ वापस जाओ और देखो सर्कुलर मोशन में रोटेशनल uh, मोशन में सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में हमने सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जाना था सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वो होता था सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर मास ऑफ डेट ऑब्जेक्ट यानी मास ऑफ सैटेलाइट हियर मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ डेट में जो वो रोटेट कर रहा है जितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं और कितने दूरी पर दूसरे ऑब्जेक्ट से सेंटर से जिस रेडियस पे वो रोटेट कर रहे हैं वो आर प्लस एच है ना सेंटर ऑफ द अर्थ से दूरी लेंगे सो so, ये हो गया एम वी का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच इक्वलिब्रियम कंडीशन में गिरेगा अर्थ पे वापस गिरेगा तो वो वेलॉसिटी ऑर्बिटलिटी पर वो रोटेट करेगा तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा सेंट्र फ्यूअल फोर्स के बराबर जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मोल अपॉन आर प्लस एच का स्क्र इज इक्वल टू एम इंटू वी ओ का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच ठीक है ये फोर्स दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे तभी तो वो बराबर रोटेट करता रहेगा इमेजिन कर पा रहे हैं आप तो स्मॉल एम स्मॉल एम कैंसिल हो गया आर प्लस एच इधर है और आर प्लस एच का स्क्वायर इधर है एक एक कैंसिल हुआ यानी बचा जी कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच ये है वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो स्क्वायर है इधर में अंडर रूट बना दो तो कैपिटल जी इंटू कैपिटल फिर वही बात हुई हम लोग ये ऊपर का जो कैपिटल कैपिटल है उसकी जगह हम लोग जी एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में रख सकते हैं क्योंकि हम लोग स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है जान गए हैं एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हमने देखा था तो कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर

मतलब इस ऑर्बिट से दूर चले जाएगा अर्थ से दूर चले जाएगा और अगर कम रही तो ये जमीन पे गिर जाएगा अर्थ पे वापस गिर जाएगा इसलिए इसको पर्टिकुलर इस वेलोसिटी पे ही रोटेट करना पड़ेगा पर्टिकुलर इसी वेलोसिटी पर इसको रोटेट करना पड़ेगा रिवॉल्व करना पड़ेगा अर्थ के अराउंड नहीं तो ये दोनों केसेस में से एक बात हो जाएगी तो चलो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं और अच्छे समझते हैं एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है विच रिवॉल्व अराउंड अर्थ एट द हाइट ऑफ वन किलोमीटर

और ऊपर का मल्टीप्लाई किए तो आया फोर्टी पॉइंट है और ये है दोनों होंगे होंगे तो होंगे, तो प्लस फोर्टी पॉइंट को डिवाइड तो करके देखना ये आता है के अंदर है इसको जब होल अंडर रूट को सेट करके निकालना चाहते हैं आप तो इसको क्या करो टेन इसमें ले जाओ 10 टू द पावर 6 बना दो क्योंकि 10 टू द पावर 6 का होल अंडर रूट हो जाएगा 10 टू द पावर 3 और 54.2 का होल अंडर रूट बनेगा अंडर रूट बनेगा स्क्वायर रूट बनेगा 7.362 यानी कि मल्टीप्लाई कर दो इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें मिलेगी 7362 मीटर पर सेकंड यानी कि इतने ऑर्बिटल वेलोसिटी इतने वेलोसिटी से वो अर्थ के अराउंड रोटेट करेगा तब वो वहाँ पे स्थिर रहेगा नहीं तो जमीन में गिर जाएगा नहीं तो, चले जाएगा। हुआ तो बाहर कम हुआ तो जमीन में वैल्यू पता, पता है एक रोटेशन मतलब कितना सर्कुलर मोशन हो रहा है ना सरकम तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या है सर्कुलर मोशन में सरकम टेकन निकालना है हमें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑन टाइम टाइम पीरियड सरकमफेरेंस क्या है टू पाई आर मगर यहां आर रख के गलती मत कर देना देखो जिस पाथ पे ये रोटेट कर रहा है देखो डायग्राम में वापस देखते हैं जिस पाथ पे ये रोटेट कर रहा है उसका रेडियस है आर प्लस एच तो टू पाई आर प्लस एच पाई इंटू आर ये होगा सरकमफेरेंस टू पाई इंटू आर

यानी कि आंसर हमारा हुआ ऑर्बिटल वेलोसिटी हुआ 7362 मीटर पर सेकंड और कितना समय लगा उसको एक रिवॉल्यूशन करने के लिए वो हुआ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी इज इक्वल टू बनेंगे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन एक असाइनमेंट मैं आपको देता हूं यहां पर एक असाइनमेंट ये असाइनमेंट से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है सी क्वेश्चन इज आस्किंग कैलकुलेट द वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ ऑर्बिटिंग एट अ हाइट ऑफ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ मतलब रेडियस ऑफ अर्थ तो आपको पहले से पता है 6400 किलोमीटर और उतने ही हाइट पे उतने ही हाइट सरफेस से उतने और हाइट पे एक सैटेलाइट रोटेट कर रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करो कैपिटल जी की वैल्यू मालूम है आपको मास ऑफ अर्थ भी मालूम है से हाँ पता चल जाएगा. Orbital velocity आप calculate कर सकते हैं. सैटेलाइट the आपके सिलेबस में दिया हुआ है एक प्रकार का सैटेलाइट होता है जो एक जगह स्थिर रहता है ऐसा कब हो सकता है गौर करना एक जगह स्थिर रहता है मान लो एक सैटेलाइट है जो रोटेट कर रहा है अर्थ के अराउंड यहां पर हम खड़े हैं यहां पर हम खड़े हैं ये अर्थ है हमारा ये अर्थ का सेंटर और हमको एक सैटेलाइट है जो यहां पे दिख रहा है ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक्सिस पे मगर हम जब इसको यू देखते हैं तो हमको वहीं पे बस दिखते रहता है वहीं पे दिखते रहता है ये ये हमको अर्थ के ऊपर में हमको ऊपर में दिखते रहता है ऐसा बस इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ जब अर्थ जब गोल घूम रहा है अर्थ जब गोल घूम रहा है तो ये अर्थ के साथ में सेम एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूम रहा है अरे इतना टर्न हुआ तो ये भी उतना ही टर्न हुआ इतना और टर्न हुआ तो ये भी उतना ही टर्न हुआ ठीक है मतलब ये क्या है ये जो सैटेलाइट है ये स्टेशनरी दिखेगा हमें है रुका हुआ नहीं ये घूम तो रहा है मगर अर्थ के साथ में उतने ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ध्यान देना मैं एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा हूं क्योंकि सी बात है कि इसे अगर ये किसी हाइट पर होगा तो उसको ज्यादा स्पीड से घूमना पड़ेगा ज्यादा स्पीड से घूमना पड़ेगा है ना तो एंगुलर वेलोसिटी सेम रहना चाहिए मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट हो सेम समय पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम समय पर तो तभी जाकर वो एक जगह रुका दिखेगा क्यों करते हैं ऐसे सैटेलाइट की जरूरत क्यों पड़ती है मान लीजिए हमें इंडिया के ऊपर ही वो सैटेलाइट को रखना है इंडिया के ऊपर ही वो सैटेलाइट को रखना है ताकि वो देख सके कितना उसका वेदर में क्या चेंजेस है वरना क्या होगा अर्थ के अराउंड गोल घूमते रहेगा अर्थ के अराउंड गोल घूमेगा तो वो इंडिया के ऊपर हर समय ध्यान ना दे पाएगा जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इसीलिए नाम पड़ा कि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है एक जगह ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकली एक जगह वो रुका हुआ दिखता है हमें क्योंकि वो अर्थ के साथ गोल घूम रहा है अर्थ के साथ रिवॉल्व कर रहा है तो सैटेलाइट क्या बोलेंगे इसका डेफिनेशन कैसा बनेगा अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन आप देखते हैं इसको अक्सर ना इक्वेटोरियल प्लेन में ही रखा जाता है इक्वेटोरियल जो हमारा जो इक्वेटर घूम रहा है उसके आसपास ऊपर में ही रखा जाता है इसको वो विथ सेम एंगुलर स्पीड अब क्या करेगा उसको एक जगह रुके रहना है तो अर्थ के साथ में सेम वेलोसिटी से इन द सेम डायरेक्शन गोल घूमना तो पड़ेगा अबाउट हाँ एज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बड़ी सिंपल सी बात क्या कंडीशन है तब जाके हम कहेंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक जगह स्टेशनरी station, रहेगा एक जगह रुका रहेगा इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ शुड बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ अर्थ मतलब इसका भी एक रोटेशन 24 घंटे में खत्म होना चाहिए क्यों क्योंकि 24 घंटे में हमारा अर्थ भी एक रोटेशन खत्म करता है ठीक इट्स डायरेक्शन शुड बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बिल्कुल सही वेस्ट टू ईस्ट ही भी इसको घूमना पड़ेगा तभी तो एक जगह रुका हुआ दिखेगा वरना उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा इट शुड रिवॉल्व इन इक्वेटोरियल प्लेन और इसको इक्वेटोरियल प्लेन में ही रोटेट करना पड़ेगा ऊपर नीचे करेंगे तो देर कैन बी सम चांसेस ऑफ मिस कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकता है इक्वेटोरियल प्लेन में रहेगा तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर अरोसिटी से गोल घूमते जाए सो दीज आर द थ्री कंडीशंस few more conditions are there kitni velocity se gol ghumna chahiye that that are the calculation part so these are the things today we have understood about orbital velocity as sorry escape velocity orbital velocity and little bit about geostationary satellites we also talked about satellites also so this is it for today we have gone through all the topics of this chapter gravitation now we will start new chapter in our uh, in our next classes So keep studying. Try to solve more number of questions from reference book. Have a nice day.